क्या आपको पता है आज लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्यों लोग इतना तनाव में जी रहे हैं? इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है। लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज के समय में लोग अपने शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहते। लोगों के पास समय ही नहीं है। आपको अपने शरीर के साथ जिंदगी भर रहना है, और अगर आप इसको ही नहीं समझोगे तो परेशानियां तो होंगी ही। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने दिमाग को बहुत तेज कर सकते हो। आपके शरीर में जो वीर बनता है उसकी शक्ति को आप नहीं जानते हो। वीर को धारण करने वाला हर इंसान शरीर से मजबूत होता है और दिमाग से तेज बन जाता है। अगर आप ब्रह्मचर्य नाश करोगे और यह सोचोगे कि मेरा दिमाग तेज हो जाए, तो ऐसा करके आपका दिमाग तेज नहीं कमज़ोर होगा। आपने ज़रूर सुना होगा, जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनमें ब्रह्मचर्य के गुण थे। वह अपने वीर को फालतू में बर्बाद नहीं किया करते थे। जो इस ब्रह्मचर्य की शक्ति को जान गया और अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो वह इंसान सभी इंसानों से अलग होगा। उसके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, दिमाग तेज हो जाएगा। इंसान अपने दिमाग का पूरे जीवन में सिर्फ कुछ ही परसेंट यूज कर पाता है। आप ही सोचो, अगर इंसान अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने लगे तो वह इंसान कितना आगे जाएगा और उसके सोचने समझने की शक्ति कितनी तेज हो जाएगी। आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए रोज़ मेडिटेशन करो, ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, रॉन्ग वीडियोस मत देखो और ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत करो। मोबाइल में सिर्फ अच्छी वीडियोस देखो, भागवत गीता सुनो। ऐसा करके आप अपने अंदर बदलाव देखोगे। अगर आप अच्छे से 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो तो आपके अंदर बदलाव दिखने लगेगा। आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम ज़रूर सुना होगा। इनका पूरा शरीर काम नहीं करता था, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग की शक्ति से कई आविष्कार किए और आज इन्हें हर कोई जानता है। इसलिए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। दिमाग शरीर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इस पर ध्यान दो। ब्रह्मचर्य करके आप इसे और तेज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आई एम एडी मैन, आई एम ऑन मिशन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।